प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। आज आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। क्लास 12th की फिजिक्स में सबसे ज्यादा पढ़ाए जाने वाली कोई है अगर इंपॉर्टेंट यूनिट, तो वो है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स सीरीज में इससे पहले मैं कई सारे वीडियो लेक्चर्स आपको दे चुका हूं। वो सभी स्टूडेंट्स जो लगातार मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखते आ रहे हैं, वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मैं ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स वाला हिस्सा बहुत अच्छे से आपको खत्म करा चुका हूं। और आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर हमारे वेव ऑप्टिक्स वाले भाग का तीसरा वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही आपने सुना, आज का वीडियो लेक्चर इज वीडियो लेक्चर नंबर 3 ऑफ वेव ऑप्टिक्स। और आज मैं वही टॉपिक शुरू करूंगा जिस टॉपिक का जिक्र मैंने सेकंड वीडियो लेक्चर को खत्म करते करते किया था। एक बच्चा कहता है, सर मैंने तो सेकंड वीडियो लेक्चर देखा ही नहीं। तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरे रे ऑप्टिक्स के और वेव ऑप्टिक्स के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है, मेरी सजेशन है कि एक बार आप उन्हें जरूर देख लें ताकि आपको आगे की सभी बातें अच्छे से समझ आ जाए। आज के इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, देखना ना भूलें प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू एग्जैक्टली स्टार्ट टुडे। सो आज का वीडियो लेक्चर भले ही एक नए टॉपिक का लेक्चर है, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द या मेरे द्वारा कहे जाने वाली बातें मैं इससे पहले के 2 वीडियो लेक्चर में बखूबी समझा चुका हूं। तो ये जरूरी है कि आपको बेसिक्स जरूर पता हो। एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि वेव ऑप्टिक्स क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि वेव ऑप्टिक्स में वेव थ्योरी ने क्या कहा, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि वेव थ्योरी के बेसिस पे लाइट के द्वारा कौन सी मेजर प्रॉपर्टीज है जो शो की जाती है अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हमने लाइट की 3 मेजर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। एक जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, एक जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, और एक जिसे हम कहते हैं डिस्पर्शन। और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट की फिर से 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एक जिसे हम कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, और दूसरा जिसे हम कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स, और तीसरा जिसे हम कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स। तो आज का वीडियो लेक्चर इंटरफेरेंस के टॉपिक को शुरू जरूर करेगा लेकिन खत्म नहीं करेगा, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स की प्रॉपर्टी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। और इसके अंदर मुझे आपको जो कुछ भी है समझाना वो एक बार सिंपल तरीके से मैं नहीं बता पाऊंगा, रैदर इट विल टेक टाइम। तो स्लोली एंड स्लोली चीजों को आगे बढ़ाएंगे, मतलब ये कि आपको डिटेल में समझाएंगे। और आपको याद होगा कि मैंने पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में एक प्रिंसिपल का जिक्र किया था जिस प्रिंसिपल के बिना हम लाइट की इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स की प्रॉपर्टी को नहीं स्टडी कर सकते, और उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आज से पहले आप फिजिक्स में कई बार सुनकर आए हो, खास करके आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में जब हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं। वेव ऑप्टिक्स के अनुसार, या मुझे यहां पर लिखना चाहिए सिंपल शब्दों में, वेव थ्योरी के अनुसार, वेव थ्योरी के अनुसार, वेव थ्योरी के अनुसार लाइट के द्वारा शो किए जाने वाली प्रॉपर्टी, यानी वेव थ्योरी के अनुसार लाइट के द्वारा शो किए जाने वाली, लाइट के द्वारा शो किए जाने वाली पहली प्रॉपर्टी, वेव थ्योरी के अनुसार लाइट के द्वारा शो किए जाने वाली पहली प्रॉपर्टी जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस पहली प्रॉपर्टी को मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। अब एक बच्चे ने बोला, सर ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स का एक्चुअल में मतलब क्या है? इसका एक मतलब नहीं है, इसके बहुत सारे मतलब है, लेकिन बहुत सारे मतलबों को एक साथ बताकर मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा। अब बात करते हैं सबसे सिंपलेस्ट मतलब की, इंटरफेरेंस शब्द का मतलब क्या होता है। ये एक इंग्लिश का वर्ड है बच्चों, ये फिजिक्स का वर्ड नहीं है। और क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है तो आपने कई बार अपनी लाइफ में ये वर्ड बहुत बार इस्तेमाल किया होगा, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ और कोई आपको डिस्टर्ब करे, या हिंदी में कहें तो कोई दखल दे, तो आप क्या कहते हो, प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, यार मुझे मेरा काम करने दे। तो आप किसी को अपने काम में इंटरफेयर करने से मना करते हैं। तो इसका मतलब, इंटरफेयर का
मतलब होता है दो चीजों का आपस में मिक्स होना या किसी एक चीज में किसी दूसरी चीज का मिक्स होना, या सिंपल शब्दों में कहें दखल अंदाजी करना या दो चीजों का आपस में इंटरमिक्स होना। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस, आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं। लाइट के अलग 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 प्रकार के सोर्सेज हो सकते हैं, मतलब लाइट कहीं से भी आ सकती है, लेकिन जब लाइट को किसी दूसरे लाइट वेव के साथ, एक लाइट को उसी के जैसी किसी दूसरी लाइट वेव के साथ अगर इंटरफेयर करने का मौका दिया जाए तो कुछ ना कुछ तो असर हमें नजर आएगा ही आएगा। अब क्या असर आएगा इसको समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो एक लाइट वेव को हम वेव फॉर्म की तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और आखिरी बार अगर आप फिजिक्स में ये प्रिंसिपल कहीं पढ़कर आए हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये प्रिंसिपल आप क्लास 11th के साउंड वाले चैप्टर पढ़कर आए हो, जब आपने कहा था कि एक साथ एक साउंड दूसरे साउंड के साथ सुपरइंपोज करती है। जैसे कि स्कूल की असेंबली में हम सब लोग मिलकर नेशनल एंथम गाते हैं, तो हम सबका नेशनल एंथम एक दूसरे के साथ सुपरइंपोज करता है। और अगर हम सब लोग सुर में गा रहे हो, सेम वेवलेंथ के साथ गा रहे हो, तो हम सबका नेशनल एंथम एक साथ सुनाई देता है। वरना तो कभी कोई आगे निकल जाए, कोई पीछे निकल जाए, तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि आपको लगता है शायद आपने मिस्टेक कर दी। तो जब एक ही समय पर एक से ज्यादा, जब एक ही समय पर एक से ज्यादा अलग 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 साउंड के सोर्सेस एक साथ बजते हैं और सब एक ही प्रकार की साउंड पैदा करते हैं, तो सुनने वाले को अलग 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 साउंड नहीं सुनाई देती, रैदर सबका एक मिक्स होके, सबका एक एडिशन होके एफेक्ट सुनाई देता है। आप जानते हो एक बच्चा क्या कहने लगा मुझे, कहने लगा सर आप कहां चले गए। मैंने कहा क्यों भाई, मैं तो यही हूं। कह रहा नहीं 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 सर आपकी बातें। मैंने कहा यार मैं क्या गलत कह रहा हूं। हाँ सर लाइट का चैप्टर चल रहा है, साउंड साउंड बोल रहे थे। ओ हाँ लाइट का चैप्टर चल रहा है, मैं तो साउंड साउंड बोलने लग गया। अरे साउंड साउंड इसलिए बोल रहा था क्योंकि साउंड की मदद से एग्जाम्पल दे रहा था। अगर मैं 2 मिनट के लिए साउंड हटाकर लाइट बोलने लग जाऊं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लाइट का सोर्स है और आप ही के जैसा सेम टू सेम लाइट सोर्स कोई और लेकर आ गया, तो सारे लाइट सोर्सेस आपस में एक दूसरे के साथ ऐड होके एक मिला जुला इफेक्ट देंगे। जैसे कि क्रिकेट के मैदान में आपने देखा होगा, क्रिकेट के मैदान में इस तरह से लाइट लगी होती है। कभी नोटिस किया होगा क्रिकेट के मैदान में इस तरह से बल्ब लगे होते हैं, छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं। कभी नोटिस किया है कि ये सारे के सारे बल्ब ऐड होके एक मिला जुला इफेक्ट देते हैं, यानी इन सब की रोशनी एक दूसरे के साथ ऐड होकर, इंटेंसिटी देती है। और ऐसा हो पाना तभी मुमकिन है जब ये सभी रोशनियां या सभी सोर्सेस एक ही प्रकार के हो। मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ये सभी सोर्सेस का एक जैसा एक प्रकार का होना बहुत जरूरी है। दिस मींस दैट इफ द सोर्सेस आर ऑफ द सेम टाइप देन दे विल डेफिनेटली एड अप विद ईच अदर टू गिव राइज टू अ रिजल्टेंट इफेक्ट। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार मैं यहां पे लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आई रिपीट माय सेंटेंस, इफ देयर आर मोर देन वन सोर्स ऑफ लाइट सच दैट मेरी बात ध्यान रखना, such that y1, y2, y3 ... yn are the respective amplitude of the light waves interfering with each other, यानी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करने वाली लाइट वेव्स के ये रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड है। फॉर एग्जांपल, ये पहली लाइट वेव, ये इसका क्रेस्ट, ये इसका ट्रफ, इसी के जैसी ये दूसरी लाइट वेव, ये इसका क्रेस्ट, ये इसका ट्रफ, इसी के जैसी ये तीसरी लाइट वेव, ये इसका क्रेस्ट और ये इसका ट्रफ। तो अगर मैं कहता हूं कि इसका एम्पलीट्यूड y1 है और इसका एम्पलीट्यूड y2 है, इसका एम्पलीट्यूड y3 है, लेकिन सबकी वेवलेंथ
सबका लैम्डा वन लैम्डा टू और लैम्डा थ्री इक्वल है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है, तो इनका प्रॉपर तरीके से एड हो पाना पक्का निश्चित है। देन हम कह सकते हैं कि y net is equal to y1 plus y2 plus y3 dot 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 y net, और ऐसा तभी होगा जब इसका क्रेस्ट आपस में ओवरलैप हो पाएंगे, यानी इस वेव को प्राप्त करने के लिए पहली वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव का ट्रफ और दूसरी वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ और तीसरी वेव का क्रेस्ट और तीसरी वेव का ट्रफ जब आपस में ओवरलैप करेंगे तब हमें नेट इंटेंसिटी मिलेगी, दैट इज y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों एक बार बोर्ड पे नजर डाल लीजिए कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सिंपल शब्दों में यह कहता है कि अगर हमारे पास कुछ वेव्स मौजूद है सच दैट इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड या इंडिविजुअल वेव की डिस्प्लेसमेंट पता है, सो द नेट डिस्प्लेसमेंट और द नेट एम्पलीट्यूड, इसे डिस्प्लेसमेंट बोल लेते क्योंकि वाई डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है, देन द नेट डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। साफ साफ कह देते सर, इतना डिटेल में बताने की क्या जरूरत थी, आप साफ साफ बोल देते ना कि एक वेव का क्रेस्ट अगर दूसरी वेव के क्रेस्ट के साथ या एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के साथ ओवरलैप करेगा तो उनका जो मिला जुला इफेक्ट होगा वो उनके एडिशन से हमें प्राप्त होगा, या आप ये कह देते कि अगर एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के साथ ओवरलैप करेगा तो उनका जो मिला जुला प्रभाव होगा वो उनके डिफरेंस के बराबर होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या बड़ा है। अगर क्रेस्ट बड़ा हुआ तो क्रेस्ट माइनस ट्रफ, अगर ट्रफ बड़ा हुआ तो ट्रफ माइनस क्रेस्ट, यानी अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इफ वी हैव मोर देन वन टू और टू और मोर देन टू थ्री थ्री और मोर देन थ्री, या साफ साफ कहो अगर हमारे पास बहुत सारे अलग 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 प्रकार के सेम टाइप के लाइट रिसोर्सेज हैं, सेम टाइप के मतलब अलग अलग मतलब कि एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट है जो कि एक प्रकार की वेवलेंथ एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके क्रेस्ट आपस में ओवरलैप होना निश्चित है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग हो गई तो फिर तो क्रेस्ट और ट्रफ इंटरफेयर नहीं करेंगे, और अगर इंटरफेयर कर भी गए तो इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इट इज ऑलवेज गुड कि अगर आप चाहते हो कि दो लाइट वेव्स आपस में इंटरफेयर करें तो सबसे अच्छा सुपर पोजिशन किसी भी लाइट वेव का या सबसे अच्छा सुपर पोजिशन दो या दो से ज्यादा साउंड वेव्स का या दो से ज्यादा लाइट वेव्स का देखने को सुनने को समझने को तब मिलता है जब एक साउंड वेव या एक लाइट वेव का क्रेस्ट उसी के जैसी या उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाली या उससे ज्यादा इंटेंसिटी वाली या उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली। एक बच्चा कहता है वाओ डिस्प्लेसमेंट अलग कर दी, एम्पलीट्यूड अलग कर दिया, इंटेंसिटी अलग कर दी, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, बाकी कैरेक्टरिस्टिक एक बार को मैच ना करे चलेगा। हाँ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मैच करने से क्या होगा कि जिस पॉइंट पे पहली वेव का क्रेस्ट खत्म हो रहा है उसी पॉइंट पे दूसरी वेव का भी क्रेस्ट खत्म होगा और उनके आपस में ओवरलैप करने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो यही मैं चाहता हूं कि आपको बात समझ आए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये सिंपल शब्दों में एक बात है कहता, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये बात सिंपल शब्दों में है कहता कि जब भी दो लाइट वेव्स के आपस में इंटरफेयर करने की सिचुएशन है आती तो याद रखें कि जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से है भिड़ जाता तो हमें जो प्राप्त हो जाता वो उनका रिजल्टेंट इफेक्ट कहलाता, एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट 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 y नेट। इसका मतलब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ने बहुत बड़ी कोई बात नहीं कही है, एक बेसिक बात को वेव की फॉर्म में बस एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई साहब कदम कदम साथ बढ़ाओगे तो साथ ही तुम बदले में पाओगे, जो कदम तुम्हारा आगे जाएगा और मेरा पीछे जाएगा तो तुम उन्हें साथ कभी नहीं पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, कदम कदम जो साथ बढ़ाओगे तो साथ ही सारे कदम पाओगे, मार्च पास्ट में यही होता है, सारे हाथ एक साथ आगे जाते हैं तो आप सबको एक साथ
एक ही समय पे आगे जाता हुआ पाते हो, लेकिन अगर कोई राइट जा रहा हो कोई लेफ्ट जा रहा हो तो आपको वो हाथ आगे जाते हुए या पीछे आते हुए साथ साथ दिखाई नहीं देंगे। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस पे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे जाने का चांस नहीं है, लेकिन ये एक प्रिंसिपल है जिसका हम अब इस्तेमाल करने जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। यानी लाइट वेव्स की प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पता होना जरूरी था कि कैसे दो लाइट वेव जब आपस में इंटरफेयर करेंगी तो उनकी इंटेंसिटी या आप कह सकते हो कि उनकी ऊर्जा या आप कह सकते हो कि उनकी डिस्प्लेसमेंट आपस में ऐड होगी अगर उनका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एडिटिव हुआ है। एडिटिव मतलब क्रेस्ट और क्रेस्ट की मुलाकात हुई है। एक बच्चा कहता है सर क्रेस्ट और ट्रफ की मुलाकात भी हो सकती है? हो सकती है। अगर क्रेस्ट और ट्रफ की मुलाकात होगी तो एडिटिव इफेक्ट नहीं रादर सबट्रैक्टिव इफेक्ट आएगा और आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि क्या होता है सबट्रैक्टिव इफेक्ट। आई होप मेरे प्यारे प्यारे 12th क्लास के बच्चों को ये बातें समझ आ रही है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो इस यूनिट के इस प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो अपने आप में डेरिवेशन है, जो अपने आप में डेरिवेशन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक शब्द बोला था ना इंटेंसिटी, मैंने क्या कहा था कि अगर दो लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है तो उन दोनों की इंटेंसिटी एड अप होके हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी देगी। इंटेंसिटी वर्ड किससे शुरू हो रहा है? आई से। तो अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक लाइट वेव है जिसकी इंटेंसिटी आई वन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास एक लाइट वेव है जिसकी इंटेंसिटी आई वन है और मेरे पास एक दूसरी लाइट वेव है जिसकी इंटेंसिटी आई टू है, तो मेरी बात के अनुसार या सुपर पोजिशन के अनुसार मैं सीधा सीधा नहीं बोल सकता कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी शुड बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी, आई नेट शुड बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। कितना सिंपल लग रहा है ना सुनने में, सिंपल है भी, लेकिन फिजिक्स कहती है कि नहीं, आप जिस चीज को समझ सिंपल तरीके से रहे हो वो चीज कैसे आई आपको पता होना चाहिए। यानी हमें इफेक्ट तो पता है कि क्या हो रहा है, कारण नहीं पता। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रीजन, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कंडीशन। आई रिपीट माय सेंटेंस, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रीजन, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंडीशन। What is the major condition for the interference of two light waves so that they may superimpose? What is the major condition of the interference of two light waves so that they may superimpose to produce a resultant effect? अच्छा खासा। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं वो समझाने से पहले छोटी सी बात आपको और बता देता हूं। मैंने अभी कहा था कि कोई भी दो light waves जब आपस में इंटरफेयर करेंगे उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा सेम होगी उतना ज्यादा अच्छा उनका इंटरफेरेंस होगा। सच सोर्सेस ऑफ लाइट विच इंटरफेयर विद ईच अदर टू गिव एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव का मतलब हुआ कि उनका एडिशन होने वाला है, उनका सब्ट्रैक्शन नहीं होने वाला। देन सच सोर्सेस ऑफ लाइट आर कॉल्ड एज coherent sources of light। सुनना मेरी बात, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, जो मैं लिखने जा रहा हूं वो आपको अभी समझ आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। तो जब मैं बता रहा हूं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आइए मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूं। अब तक की बेसिक बात का क्या मतलब है, बेसिक बेस सुनिएगा मेरी बात। अब तक की कही, अब तक बताई गई सभी बातों, अब तक बताई गई सभी बातों का मतलब ये निकलता है, अब तक बताई गई सभी बातों का मतलब ये निकलता है, सभी बातों का मतलब ये निकलता है कि कोई भी, आई रिपीट माय सेंटेंस, कोई भी टू लाइट वेव्स जब आपस में इंटरफेयर करेंगी तब उनका इंटरफेरेंस दो प्रकार का हो सकता है। तब उनका इंटरफेरेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यानी उनका इंटरफेरेंस दो प्रकार का हो सकता है। दैट इज या तो उनके बीच में
इफेक्ट जो पैदा होगा वो एडिटिव इफेक्ट होगा, या फिर मुझे कहना चाहिए कि उनके बीच में जो इफेक्ट होगा वो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, ये जो एडिटिव इफेक्ट है इसे एक और नाम से पुकारा जाता है, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि दो लाइट वेव जब आपस में इंटरफेयर करी तो उनकी नेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी। और सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सिंपल सा मतलब है कि उनकी नेट इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी I1 माइनस I2, या मुझे कहना चाहिए I2 माइनस I1, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन बड़ा है। अब सवाल ये आता है कि सर ठीक है, आपने कहा कि कोई भी दो लाइट वेव जब आपस में इंटरफेयर करेंगी तो उनके इंटरफेयर करने से जो उनका इफेक्ट आएगा वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो एडिटिव इफेक्ट होगा या फिर वो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा। अगर वो एडिटिव इफेक्ट होता है तो उस इंटरफेरेंस को इस चैप्टर में एक नाम दिया गया, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर वो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एडिटिव इफेक्ट यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटीज ऐड होती हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सब्ट्रैक्ट होती हैं। लेकिन ये भी हम कैसे मान लें, कैसे मुमकिन है? आइए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब हो पाता है जब इंटरफेयर करने वाली लाइट वेव्स आर ऑफ सेम वेवलेंथ, यानी अगर दो लाइट वेव्स का वेवलेंथ सेम है, कॉमा आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, एंड उनके बीच में अगर कुछ फेज डिफरेंस है तो वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप ये मत कहना कि मैंने आपको फेज डिफरेंस वाली बातें कभी नहीं बताई। मत भूलो कि हमने क्लास 12 में ही अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में फेज डिफरेंस की बातें एक बार नहीं हुई, लगातार कई बार हुई है। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ अपने आप में बहुत प्यारी और बहुत एसेंशियल कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए। और जो सोर्सेस ये कंडीशन फॉलो करते हैं उन सोर्सेस को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस और इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। यानी आपके सामने पहले से यहां पर मैंने लिख दिया, सुन लीजिए, मैंने कहा कि जो सोर्स ऑफ लाइट वेव्स का आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो पाता है, मतलब जो सोर्सेस आपस में इंटरफेयर होके एक अच्छा खासा एडिटिव इफेक्ट देते हैं, दो सोर्सेस ऑफ लाइट आर कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। एंड दो सोर्सेस ऑफ लाइट जो ऐसा नहीं कर पाते उन्हें हम कहते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट का एडिशन हो रहा है? बेसिक सी बात है, क्योंकि उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब उनका एडिशन हो रहा है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्योंकि सर आप ही ने कहा ना, दोज सोर्सेज ऑफ लाइट विच हैव द सेम वेवलेंथ, विच हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, यानी अगर उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है भी तो आपको पता होना चाहिए फेज डिफरेंस क्या है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं EMI एंड AC वाले चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि व्हाट इज फेज डिफरेंस। तो उनके बीच में अगर कोई कांस्टेंट फेज डिफरेंस है भी तो फेज डिफरेंस लगातार कांस्टेंट रहता है, और उस लगातार कांस्टेंट रहने वाले फेज डिफरेंस की वजह से, या उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से, या उनकी वेवलेंथ सेम होने की वजह से, उनका जो एडिशन होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। एंड बिकॉज वो इस तरह के सोर्सेज हैं जिनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो उन्हें कहा जाता है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कोहेरेंट एडिशन। यानी साफ साफ कहो सर सारी बातों का, देखो मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं ना वो बहुत डिटेल में ले जाके बता रहा हूं क्योंकि किताब में लिखी है, लेकिन मतलब बहुत सिंपल है सारी बातों का। सीधा सीधा मतलब समझाओ क्या है, सीधा सीधा मतलब है भाई कि इफ देयर इज अ इंटेंसिटी, इफ देयर इज अ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I1, देयर इज अ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I2, then the resultant intensity is I1 plus I2. बड़ा सिंपल यार, बात तो सही है, मैथ्स की तरह एडी होनी है इंटेंसिटी। इफ देयर इज अ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I1
and there is a light of intensity I2 such that q ka constructive interference nahi ho raha, rather destructive interference ho raha hai, then resultant intensity is equal to I1 minus I2. ye badi simple si baat hai, matlab ki pehle wale case mein crest ka overlapping crest ke sath hua hoga aur dusre wale case mein crest ke overlapping trough ke sath hui hogi, to pehle wale case mein I1 aur I2 direct add ho gaye, dusre wale case mein jo bada raha hoga usme se dusra wala minus ho gaya hoga. इतना ही सिंपल है ना, सुनने में भी लगता है, लेकिन क्लास 12th की फिजिक्स कहती है कि ये चीज आपको प्रूफ करनी है, ये चीज आपको साबित करनी है कि I अगर I1 plus I2 के बराबर है तो कैसे आया ये चीज, हाउ हैज इट बीन प्रूव्ड. आइए, लेट अस नाउ डिराइव द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ कोहेरेंट एडिशन ऑफ टू लाइट वेव्स ड्यूरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेरेंस. यानी इंटरफेरेंस के दौरान दो लाइट वेव जब आपस में इंटरफेयर करेंगी तो उनके कंडीशन क्या है, उनका जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझनी है. ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं आपको समझाऊंगा तो मुझे लगता है कि मेरे समझाने के बावजूद भी 1% कंफ्यूजन रह जाएगी, ये मुझे लगता है. तो आप इमेजिन करो कि आपके स्कूल की टीचर ने आपको ये समझाया भी होगा तो कितनी भयंकर कंफ्यूजन रही होगी. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल के टीचर से आपको समझ नहीं आया होगा, मैं उन बच्चों की बात करो जिन्हें नहीं समझ आया. हो सकता है कुछ बच्चों को उनके स्कूल के टीचर का पढ़ाया समझ आ गया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद भी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 1% कंफ्यूजन रह जाए, और अगर नहीं रहती है तो समझना ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा. एक बच्चा कहता है सर मैं ऐसा क्या करूं कि वो जो 1% की कंफ्यूजन का डर आपको भी लग रहा है वो मेरे दिमाग से निकल जाए, तो उसका एक ही रास्ता है, प्लीज पे फुल अटेंशन ताकि ना हो आपको कोई टेंशन. फिर से दोहराऊं, प्लीज पे फुल अटेंशन ताकि ना हो आपको कोई टेंशन. ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मैं कराने जा रहा हूं, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसे हम कहते हैं फिजिक्स में डेरिवेशन. बहुत ध्यान सुनेंगे, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ कंडीशन, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ कंडीशन, या सिंपल शब्द कहते हैं कंडीशन ऑफ कोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव्स, कोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव्स. यानी दो लाइट वेव्स का अगर कोहेरेंट एडिशन हो रहा है तो उनका एक्सप्रेशन क्या आएगा, हम वो डिराइव करने जा रहे हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तो ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं. देखिए मेरी बात सुनना, वी मस्ट नोट दैट, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनिएगा, वी मस्ट नोट दैट एवरी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हमें ये बात समझनी चाहिए कि हर एक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल, एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइट रिलेटेड प्रॉपर्टीज. यानी लाइट के द्वारा शो किए जाने वाली सभी प्रॉपर्टीज के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है. लेट इवन वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट लाइट वेव, लेट इवन वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट लाइट वेव, एंड लेट E2 वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड लाइट वेव. ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, और क्योंकि मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं मतलब कि काफी लंबी डेरिवेशन है, ऑफ सेकेंड लाइट वेव ये मैंने लिखा, एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, E1 and E2 का एक्सप्रेशन, E1 and E2 का एक्सप्रेशन as follows. हम लिख सकते हैं E1 and E2 का एक्सप्रेशन as follows. तो E1 का एक्सप्रेशन होता है A1 cos
ओमेगा 1T प्लस 5N मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एंड E2 इज इक्वल टू A2 cos ओमेगा 2T प्लस 5T, वेयर 5N एंड 5T आर द फेज डिफरेंस. 5N इज द फेज डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ द लाइट वेव, एंड द 5T इज द फेज डिफरेंस ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ द लाइट वेव. वी मस्ट ऑल्सो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, वी मस्ट ऑल्सो नो कुछ बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए. दैट इंटेंसिटी ऑफ एनी लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का स्क्वायर. ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर होती है इंटेंसिटी. सो देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईवन स्क्वायर, एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 का स्क्वायर. और मैं लिख सकता हूं दैट इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट लाइट वेव इज इक्वल टू के E1 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू के A1 का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर ओमेगा 1T प्लस 5N. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एंड I2 इज इक्वल टू के E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू के A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 2T प्लस 5T. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, ये मैंने इंटेंसिटी का रिश्ता लिखा है. अगर इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव इज इक्वल टू के E1 स्क्वायर, अगर इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड वेव इज इक्वल टू के E2 स्क्वायर, सो वी कैन राइट, मैं आप लिख सकता हूं, देयरफॉर वी मे नाउ राइट द एक्सप्रेशन, वी मे नाउ राइट द एक्सप्रेशन ऑफ नेट इंटेंसिटी, वी मे नाउ राइट द एक्सप्रेशन ऑफ नेट इंटेंसिटी एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार क्या मैं लिख सकता हूं कि आई नेट, सुनिए मेरी बात, इज इक्वल टू I1 प्लस, या सिंपल शब्द लिख सकता हूं, आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, या एक मिनट को, आई नेट इज इक्वल टू, माफी चाहूंगा, आई नेट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ E net का स्क्वायर, और I net इज इक्वल टू K E1 प्लस E2 का स्क्वायर. भाई E net जो होगा उसमें E1 और E2 ऐड हो जाएंगे, तो मैं सिंपल शब्दों में लिख सकता हूं दैट I net इज इक्वल टू K E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1E2, और वी कैन से दैट I net इज इक्वल टू K E1 स्क्वायर K E2 स्क्वायर 2K E1 E2. अब सुनो ध्यान से, हेयर साफ पता चल रहा है कि जो K E1 square है वो है तो I1, तो I net is equal to I1. जो K E2 square है है तो वो I2, और 2 times of K E1 E2. So K E1 E2 की जगह हम पुट कर सकते हैं, हमारे पास E1 है तो हम यहां पे पुट कर सकते हैं, 2E1 की जगह हमें पुट करना है ना, तो हम यहां पे 2K E1 E2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं वो मैं सोचना चाह रहा था. हमारे पास 2K आ चुका है ना, तो K की जगह हम लिख सकते हैं, K की जगह लिख सकते हैं I1, हमारे पास आ गया नहीं 2K E1 E2 है, इसकी जगह तो I1 आ गया, इसकी जगह I2 आ गया, और यहां पे मेरे हिसाब से ये बन जाना चाहिए अंडर रूट I1 और I2. हाँ, इतना बनेगा. एक बार चेक कर लेना कैसे बनेगा. जिस बच्चे को लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आया कैसे बनेगा, तो जिस बच्चे को लग रहा है कि उसे नहीं समझ आया कि कैसे बनेगा, तो उस बच्चे की मैं मदद कर देता हूं. आइए ये डब्बे में डाल, ये देखो मैं इसी के बगल में कर देता हूं, इसी के बगल में. ये देखो, सिंस I1 इज इक्वल टू K E1 का स्क्वायर, सो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि I1 अपॉन K इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर, और E1 इज इक्वल टू अंडर रूट I1 बटा K. सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि E2 इज इक्वल टू अंडर रूट I2 बटा K.
E1 की वैल्यू को उठा के यहां पुट करूंगा, E2 की वैल्यू को उठा के यहां पुट करूंगा, तो ये वाला K और ये वाला K और ये वाला K कटेंगे, मुझे ब्रैकेट में ये मिलेगा। यहां पे हेयर मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हेयर 2 I1 I2 को कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म, जो कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म। एंड जब ये इंटरफेरेंस टर्म अगर शून्य साबित हो जाती है, अगर शून्य साबित हो जाती है, तब जाके ये कहा जा सकता है, कि नेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के बच्चों, तब जाके कहा जा सकता है कि नेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2, केवल तब जब ये साबित हो जाती है कि ये शून्य है। मैंने तो अभी तक करी नहीं है, अभी मैं एक काम करता हूं, यहां से हट जाता हूं। आप पहले अपनी तसल्ली से देखो कि मैंने क्या किया है, फिर मैं ये मान लूंगा कि देखने के बाद भी आपको नहीं समझ आया, मैं मान रहा हूं, फिर मैं आके दोबारा समझाता हूं और फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। पहले एक बार देखो, पूरे बोर्ड पे दी गई हर एक सूचना या पूरे बोर्ड पे दी गई एक एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से घूरो, मैं कहता हूं अच्छे से समझो, है अगर मन में कोई सवाल तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मचा देना बवाल। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 मस्ट अंडरस्टैंड, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है या जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है या जो मैं आपको क्लियरली करने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि क्या है चीजें इंपॉर्टेंट और कैसे हैं चीजें इंपॉर्टेंट और किस तरीके से जो मैं बता रहा हूं वो साबित हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं हमें 2√I1 I2 को 0 के बराबर प्रूफ करना होगा, लेकिन इसे प्रूफ करने के लिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसे प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, यानी थोड़ी सी कुछ नई बातें बतानी पड़ती हैं, और वो थोड़ी सी कुछ नई बातें क्या हैं मैं अभी शुरू करूंगा। पहले आप बोर्ड पे दीजिए पूरा ध्यान, ताकि ना हो मेरा कोई बच्चा जरा भी परेशान। एक बार अच्छे से मैं कहता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, घूर लीजिए, वीडियो पॉज करके घूरिए। तो मेरी तो आपको एक सिंपल सी सजेशन ये रहेगी मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, कि आप एक बार अपनी कॉपी में ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नोट डाउन कर लीजिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई है, जितना मैंने लिखा है ना इतना ही अभी लिखना और बाकी है। अब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं यहां से कुछ मिटाऊंगा तो हो सकता है कि आपके दिमाग से निकल जाए, लेकिन अगर मेरे द्वारा ये लिखाया हुआ या बोर्ड पे बताया हुआ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी बात जो पिछली वाली मैं आगे यूज करूंगा वो तो मिट चुकी होगी, कम से कम कॉपी में तो नजर आएगी। अब वो कौन सी बातें हैं जो मैं मिटाने जा रहा हूं या कौन सी बातें हैं जो मैं बदलने जा रहा हूं, अब सवाल ये आता है, सर यहां तक आप पहुंच गए, यहां तक पहुंचने के बाद आपने कहा कि I net is equal to I1 plus I2 plus 2√I1 I2 में अगर ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ ये वाला हिस्सा, तब जाके I net is equal to I1 plus I2 होगा। इसे जीरो साबित करने के लिए एक कंडीशन ली जाती है, और वो कंडीशन क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का याद दिलाना चाहूंगा, मुझे बताना कि आपको समझ आया कि नहीं आया। देखिए मैथ्स में हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि फुल साइकिल 0 से 2π तक होती है, फुल साइकिल 0 से 2π तक होती है, मानते हो? अगर फुल साइकिल 0 से 2π तक होती है तो मैं आपको एक लाइन लिखने वाला हूं, बताना कैसे, आपको समझ आया कि नहीं आया। फॉर फुल साइकिल एवरेज वैल्यू ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज वैल्यू ऑफ cos
x will be 0 full cycle के लिए average value. Average का मतलब positive cycle और negative cycle, यानी plus 1 और minus 1. तो plus 1 और minus 1 का अगर आप average निकालते हो तो 0 आने वाला है, वही तो लिखा है. Full cycle पे average value of cos x 0 आएगा, but average value of cos square x 1 by 2 आएगा. वही सही बात है, क्योंकि square में plus 1 का square भी 1 बन जाएगा और minus 1 का square भी 1 बन जाएगा. बात समझ आ रही है, concept clear हो रहा है. और जहां पे 0 रहेगा वहां 0 का square 0, जहां 1 रहेगा वहां 1 का square 1. तो 0 plus 1 divide by 2 becomes 1 by 2. अगर cos square x की value 1 by 2 आती है तो सुनना मेरी बात. जो मैंने, अरे ये तो मिट गया यार मेरे हाथों से, जो मैंने e1 is equal to a1 cos omega 1t plus phi 1 लिखा है, या e2 is equal to a2 cos omega 2t plus phi 2 लिखा है, इसे अब मैंने इस फॉर्म में लिखा. ये देखिए, यहां ये मिटता चला गया, तो ये मिटना नहीं चाहिए था. i1 is equal to k e1 square which is equal to k a1 square cos square omega t plus phi 1 and i2 is equal to k e2 square. तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या बनती, इसकी एवरेज बनती है i1 is equal to k a1 square बटा 2, यानी ये पूरा 1 by 2 बन जाता. cos square x की एवरेज वैल्यू ओवर अ फुल साइकिल इज 1 by 2. तो i1 is equal to k a1 square बटा 2, और ये बन जाता i2 is equal to k a2 square बटा 2. जब आपने ये एवरेज ले लिया, तो इसका भी कुछ एवरेज बनना चाहिए, अब इसका जो एवरेज बनता है, सुनना मेरी बात, मैं ये सारी बातें अब मिटाना चाहूंगा. देखिए, ये मिटाया, ये मिटाया, ये मिटाया, ये भी मिटाया, ये भी मिटाया, क्योंकि आप ये नोट डाउन कर चुके हो. तो असली कंफ्यूजन यहीं से शुरू होती है, और अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है. देखिए, अब मैं बोलना चाहूंगा, सुनेंगे मेरी बात. देखो, k e1 square is equal to k a1 square by 2, k e2 square is equal to k a2 square by 2, k e1 square पता है, k e2 square पता है, यानी इसका एवरेज पता चल गया, मैं यहां पे लिख रहा हूं, now the average value of 2k e1 e2 comes out to be i12, मतलब कि i12 लिखा जाता है. नाउ सुनना मेरी बात ध्यान से, नाउ i12, या हम सिंपल लिख सकते हैं, देयरफॉर वी मे रीराइट, हम लिख सकते हैं क्या, रीराइट द एक्सप्रेशन ऑफ i नेट, दैट इज i net is equal to i1 k1 square i1 plus i2 plus, इसका एवरेज वैल्यू लिया हमने i12. मतलब सर, आप इस i12 को अब हम बोलेंगे इंटरफेरेंस टर्म. देखो, पहले वाली बात में और अब वाली बात में बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा फर्क जरूर आया. इसकी एवरेज वैल्यू को ये लिखा जाता है, कैसे आई मैं कहता हूं, ट्राई करके देख लेना कैसे आई, और एक बार को मान लेते हैं कि नहीं आई आपको समझ, तो टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूं कि कैसे आई वो नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये इसका एवरेज ही आता है. थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको इग्नोर करो, आपके लिए चीज को बिगाड़ना नहीं है, मुझे सिखाना है. तो इसकी एवरेज वैल्यू, और कोई आपसे नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, इसकी एवरेज वैल्यू ये होती है, इसकी एवरेज वैल्यू ये आ गई. तो सुनना मेरी बात, नाउ अब मैं लिख सकता हूं, Now we need to prove i12 as शून्य, but i12 is it 2k e1 e2. हाँ, बात तो सही है. So therefore i12 is 2k even ये रहा, even है a1 cos omega 1t प्लस फाइव वन, और साथ में ए टू कॉस ओमेगा टू टी प्लस फाइव टू. यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो आई वन टू इज हमारे पास आ गया टू के, हमारे पास आ गया,
सुनेंगे मेरी बात या सिंपल शब्दों में काम करता हूं, 2K की जगह यहां लिखता हूं K A1 A2 2 cos ओमेगा 1t प्लस 5 cos ओमेगा 2t प्लस 5। पहले देख लो, पहले आप देख लो कि मैंने किया क्या है। जब तक आपको मेरे द्वारा किया गया समझ नहीं आएगा तब तक आगे का खेल समझ नहीं आएगा और जो मैं हूं करा रहा वो आपको मजा नहीं आएगा। अब देखिए, मैंने कुछ खास बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया है, जो पहले सब लिखा था वही सब दोबारा लिखा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैंने एवरेज वैल्यूज का खेल खेला है। एवरेज वैल्यूज का खेल खेल के I1 2 की एवरेज वैल्यू, मतलब इसकी एवरेज वैल्यू को ये कहा है, अब इसे जीरो बनाने का दामोदर मैंने उठा लिया। सुनेंगे तो मैंने लिखा I1 2 is K A1 A2। लुक एट दिस एक्सप्रेशन, क्या ये ऐसा लग रहा है 2 cos A into cos B? आपको बताना चाहूंगा 2 cos A into cos B is always equal to cos A plus B plus cos A minus B। ट्रिग्नोमेट्री वाले बच्चों जरा एक बार इस पे नजर डालो, आई होप आपको ये नजर आया कि कैसे मैंने लिखा cos A plus B plus cos A minus B। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो मैं चाहूंगा कि मैं इस जगह को मिटा दूं, इतना हिस्सा मिटा दूं, क्योंकि यह बात आपको पहले ही पता लग चुकी है, और इतने हिस्से को मिटाकर मैं उसे कंटिन्यू करूंगा। नाउ नाउ आई वन टू इज इक्वल टू के ए वन ए टू। अब देखो ये 2 cos A cos B है, तो मैं लिखूंगा यहां पे cos ओमेगा 1t प्लस 5 प्लस ओमेगा 2t प्लस 5 2 प्लस cos ओमेगा 1t प्लस 5 1 माइनस ओमेगा 2t माइनस 5 2। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, तो मुझे प्राप्त हुआ I12 इज इक्वल टू के ए वन ए टू cos ब्रैकेट में, सुनेंगे ध्यान से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 साथ में t ब्रैकेट में प्लस साथ में 5 1 प्लस 5 2 और फिर से साथ में cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t और प्लस साथ में 5 1 माइनस 5 2। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुनना मेरी बात, अब जो बात मैं कह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनेंगे। देखिए इस एक्सप्रेशन में सबसे पहली ब्रैकेट इज बिहेविंग लाइक cos x, जो मैंने वहां बताया था, जिसकी एवरेज वैल्यू इज जीरो। एंड इफ, सुनेंगे मेरी बात एंड इफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 हुआ, इफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 हुआ, तब सेकेंड ब्रैकेट भी शून्य हो जाएगी। पहले इतनी बात देखो, मैं आगे से हट जाता हूं ताकि आपको चीजें समझ आए। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, है मेरी आपको सजेशन कि मैं बोर्ड के आगे से हट चुका हूं, और बोर्ड के आगे से हटने का सिर्फ मेरा एक ही पर्पस है कि जो मैंने है बोर्ड पे लिखा या जो मैंने है यहां पे कराया वो आई होप मेरे प्यारे 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 बच्चों को समझ आया। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपको समझ आना चाहिए, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जब अगर आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो चुका है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसका क्या मतलब निकलता है। इस एक्सप्रेशन में सबसे पहली ब्रैकेट इज बिहेविंग लाइक cos x, जिसकी एवरेज वैल्यू इज जीरो, मतलब उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, यानी उसकी एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी। और हमारे पास जो सेकेंड टर्म है, यानी जो सेकेंड टर्म है, उस सेकेंड टर्म को अगर आप नोटिस करें, उसमें अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी उसकी एवरेज टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फिर हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास अगर कुछ बचता है
तो मैं सीधा सीधा उसी को लिख देता हूं जो हमारे पास बचता है। हमारे पास अगर कुछ बचता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचता है वो क्या होता है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप मेरा इतनी देर तक स्क्रीन के आगे से हटने का आपने भरपूर फायदा उठाया होगा। कंफ्यूजन यहीं पे है, सारी कंफ्यूजन यहीं पर है। देखो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं यार ये कैसे जीरो हो गया, वो कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। मैं मानता हूं यहां बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आती है, खास करके वो जिनको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा कमजोरी होती है। इसलिए मैं समझाकर या डिटेल में बताकर कंफ्यूजन को बढ़ाता नहीं हूं। लेकिन अगर आपको बेसिक बेसिक चीजें जो मैं सीधा टू द पॉइंट बता रहा हूं वो समझ आ रही है तो आपको कॉन्सेप्ट यही मिल जाएगा। एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछने वाला, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बात। ये चीज आपको यहां क्लियर हो गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे भी मिटा देता हूं, इसे भी मिटा देता हूं, इसे भी मिटा देता हूं, इसे भी मिटा देता हूं और इसे भी मिटा देता हूं, क्योंकि आप पहले लिख चुके हो। अब देखिए तो सुन लीजिए मेरी बात। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत यहां से हुई थी। तो देख लीजिए, फाइनली 2K E1 E2 की एवरेज वैल्यू जब फुल साइकिल पे निकाली जाती है, जिसकी डिटेल पता होना जरूरी नहीं है, इट कम्स आउट टू बी 2K E1 E2 किसके बराबर था यहां पे? I1 I2 के बराबर, क्योंकि इसकी एवरेज वैल्यू क्या थी? ये तो लिखा, इट कम्स आउट टू बी I1 I2। I1 I2 को सॉल्व करते 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 यहां तक लेकर आया, तो I1 I2 कम्स आउट टू बी हमारे पास K A1 A2 एंड बचता है मेरे पास cos phi1 minus cos phi2। पहले इतना देखो, मतलब सर आपने इसमें से इस पूरे को जीरो बना दिया और इसे जीरो बना दिया, सिर्फ ये वाला हिस्सा उठाया और इस वाले हिस्से को उठाकर मैंने यहां लगाया। आपको आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों समझ आया। एक बार देख लीजिए, मैं कहता हूं दो बार घूर लीजिए। है फिर भी मन में कोई सवाल, हो सकता है छोटे छोटे सवाल मन में उठ रहे होंगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वॉन्टेड Each one of my child to understand कि कैसे 2K E1 E2 comes out to be K A1 A2 cos phi1 minus phi2। और अब आप notice करो कि यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मत बोलो। Since E1 is equal to K A1 square बटा 2 and E2 is equal to K A2 square बटा 2, ये देखो। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, I1 is equal to K E1 square था, है ना, जो हमने एवरेज वैल्यू निकाली थी कि E1 आया था हमारे पास और E2 आया था, E2 की एवरेज। एक मिनट रुको, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, मैं दोबारा लिखता हूं। सिंस I1 कहते हैं कि I1 is equal to K A1 square बटा 2 एंड I2 is equal to K A2 square बटा 2, ये कौन सी वैल्यूज है? ये एवरेज वैल्यूज है। तो अगर I1 K A1 square बटा 2 है तो 2 I1 बटा K is equal to A1 square और A1 is equal to 2 root I1 बटा K एंड A2 is equal to 2 I2 बटा K। A1 और A2 की ये वाली वैल्यूज उठाकर अगर मैं यहां पुट करता हूं और यहां पुट करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है 2K E1 E2 is equal to I1 2 is equal to K। A1 तेरी जगह आ गया, under root 2 I1 बटा K under root 2 I2 बटा K। Cancel, this comes out to be 2 root I1 I2। अब याद करो, पन्ना पलट के देखो, जब तक मैंने ये सारी रामकहानी नहीं करी थी, मैंने सबसे पहले यहां पर कुछ लिखा था तो यही लिखा था, याद करो यही लिखा था मैंने। तो अब मैंने इस I1 2 को अब मैंने लिख के दिखा दिया है K A1 A2 cos phi1 minus phi2, वेयर आई हैव प्रूव कि जो K A1 A2 है
that comes out to be this 2 root I 1 I 2. देखो 2k even E 2, 2k even E 2 is equal to I 1 2, I 1 2 is equal to k, k के बगल में A 1 A 2, यानी ultimately this is equal to this, और साथ में ये था, तो वो भी साथ में आ जाएगा, cos phi 1 minus phi 2, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक बार मैं कहता हूँ देख लीजिए, दो बार मैं कहता हूँ घूर लीजिए, है अगर फिर भी मन में कोई सवाल तो कैसे ना कैसे करके पूछ लीजिए, मतलब आपको ये चीज हो सकता है कि समझने में कोई दिक्कत आई हो, लेकिन अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है, अगर आप दो से तीन बार भी रीड करोगे ना तो है मेरी गारंटी समझ आ जाएगा, दो से तीन बार कम से कम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे टीचर कराते ही नहीं है, अवॉइड कर देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से आपको ये बताया क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो मुझे आपको बतानी थी, जो मुझे आपको समझानी थी, जो मुझे आपको करानी थी, और मैंने आपको कराई, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली हुआ ये कि फाइनल एक्सप्रेशन में जो प्राप्त हुआ फाइनल एक्सप्रेशन क्या है ये आप देख लीजिए, मैं एक बार फिर से हट जाता हूं बोर्ड के ऊपर से और आपको बताता हूं कि हमने क्या क्या किया, तो मैं एक बार सारी बातों की समरी लिख दूंगा कि मैंने क्या क्या कर लिया, तो सारी बातों की समरी अगर मैं लिखूं और सब कुछ मिटा दूं, एक बच्चा कहता है सती रुक जा, अरे कैसे रुक जाऊं, मैंने मौका दिया था आपको, मैंने वीडियो पॉज करने का मौका दिया था, तो समरी जो हमने अब तक किया मैं यहां पर लिख रहा हूं, समरी, समरी ऑफ वो सब कुछ जो मैंने बताया, समरी ऑफ वो सब कुछ, समरी ऑफ वो सब कुछ जो मैंने बताया, समरी ऑफ वो सब कुछ जो मैंने बताया, क्या बताया, सबसे पहले शुरुआत करी I1 इज इक्वल टू के E1 स्क्वायर से, फिर I2 इज इक्वल टू के E2 स्क्वायर पे लेकर आया, E1 को A1 cos omega 1t plus phi 1 बनाया, E2 को A2 cos omega 2t plus phi 2 बनाया, and then I is equal to k E square बताया, and इसे I1 बताया, इसे E1 बताया, and I2 is equal to k E2 square बताया, बिल्कुल बताया, and then I net को k E1 plus E2 square बताया, solve करके I net is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 पाया, याद रखो ये सबसे पहले पाया था, सबसे पहले ये पाया था, आइए उसके बाद क्या किया, एवरेज की कहानी, एवरेज की कंडीशन को बीच में डालकर, एवरेज की कंडीशन को यूज करके I1 को K A1 square by 2 बनाया, I2 को K A2 square by 2 बनाया, and I net को I1 plus I2, सुनेंगे ध्यान से, plus 2K E1 E2 पाया, याद करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, I1 plus I2 plus 2K E1 E2 पाया, ये वो चीज है जो I hope मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आया कि मैं यहां पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे मैंने ये चीज प्राप्त करी थी, तो आपको याद होगा कि I net का एक्सप्रेशन मैं लेकर आया था, इनफैक्ट यहां पे आप नोटिस करोगे I1 I2 बाद में लिखा था, पहले लिखा था K E1 स्क्वायर, फिर लिखा था K E2 स्क्वायर, तो ये बना था I net और ये बना था I1 K E1 square, ये बना था I2 और ये बना था 2K E1 E2, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको ये चीज मैंने समझाई थी कि ये चीज कैसे आई, आई होप ये सब कुछ आपको समझ आया, इसकी एवरेज वैल्यू को 2K E1 E2 की एवरेज वैल्यू को I12 बताया एंड I12 जो कि बराबर था 2K E1 E2 के, उसको हमने कैसे पाया, उसको हमने
2 रूट i1 i2 cos phi1 माइनस phi2 के रूप में पाया। एक बार देख लीजिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ आनी चाहिए कि मैंने i12 को कैसे पाया। i12 बराबर था 2k e1 e2 के और हमने उसको बदले में 2 रूट i1 i2 cos phi1 माइनस phi2 पाया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये सब कुछ आई होप समझ आया, एक्सप्रेशन कैसे कैसे आए मैंने बताया। अब देखो, ऑब्वियसली जब phi1 माइनस phi2 कांस्टेंट होगा, या फिर सुनेंगे मेरी बात बड़े 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 ध्यान से, या फिर जब phi1 इज इक्वल टू phi2 होगा तब cos phi1 माइनस phi2 cos 0 दैट इज 1 होगा। पहले एक बार ये चीज देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, मैं आगे से हूं हट जाता ताकि आई होप आपको सब समझ आ जाता। तो इस एक्सप्रेशन में phi1 माइनस phi2 में अगर phi1 और phi2 की वैल्यू 0 आती है, तो ये पूरी वैल्यू 0 आने का मतलब द एवरेज वैल्यू ऑफ cos phi अगर 0 आती है तो cos 0 1 होगा और तब जाके हमें जो एक्सप्रेशन प्राप्त होगा दैट वी बी गोइंग टू बी i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2। यानी आपको बस दिमाग में ये बिठाना है, प्लीज नोट दैट, मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज नोट दैट i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 होने के लिए I net is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 में 2 root I1 I2 जो यहां पे हमने दे रखा है। सबसे पहले हमने ये पाया था, बाद में हमने इसे क्या बनाया, बाद में से हमने I1 I2 एवरेज वैल्यू लेके बनाया, यानी I net is equal to I1 plus I2 2 root I1 I2 cos phi1 minus phi2 की वैल्यू 2 root i1 i2 cos phi1 minus phi2 की वैल्यू पूरी 0 होनी चाहिए, की वैल्यू पूरी 0 होनी चाहिए, तब जाके आपको i net is equal to i1 plus i2 मिलेगा। सुन लीजिए, ये एक्सप्रेशन पहले वाला है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, और ये एक्सप्रेशन बाद वाला है, यानी 2k even e2 is equal to this and इसकी एवरेज वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस। तो i is equal to i1 plus i2 होने के लिए i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 में इसकी एवरेज वैल्यू ये की वैल्यू पूरी जीरो होनी चाहिए, तब जाके i net is equal to i1 plus i2 मिलेगा, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आई होप कि अगर पूरा नहीं तो कम से कम 90% तो समझ आया होगा। अबे गुड न्यूज दे दूं, एक गुड न्यूज जो मैं दे रहा हूं वो गुड न्यूज ये है कि इंपॉर्टेंट तो बहुत था लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाता। आई होप अब आप चैन की सांस ले रहे होंगे। एग्जाम में इसी का एक और सिंपल वर्जन है जो पूछा जाता है, जिसे इसकी जगह किया जा सकता है। तो जो भी मैंने बताया ना आप लोगों को, वो बताने की भी सिर्फ एक वजह थी कि अगर मेरे बताने से पहले आपको एक किताब में नजर आ जाता तो जरूर आपका सर घूम जाता, लेकिन क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है तो मेरी आपको सजेशन है कि एक बार किताब खोल के रीडिंग जरूर करना। प्रदीप हो या ऐसा अरोड़ा हो, आप इसकी कंडीशन के एक्सप्रेशन को, जो लास्ट के पॉइंट्स है कंफ्यूजन वही होती है, और अगर वो चीज आपको क्लियर हो गई तो कंफ्यूजन नहीं दूर होगी। यानी द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट द फेज डिफरेंस शुड बी कॉन्स्टेंट और द फेज डिफरेंस शुड बी जीरो एंड द टू लाइट वेव्स दैट आर इंटरफेयरिंग विद ईच अदर मस्ट हैव सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस, तब जाके उनका कोहेरेंट होगा, तब जाके कॉन्सेप्ट
क्लियर होगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों को। आई होप यहां मैंने जो कुछ भी बताया वो मेजॉरिटी आपको समझ आ गया होगा। एक बच्चा कहता है सर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो है लेकिन आप कह रहे हो कि रीडिंग करके क्लियर हो जाएगी, तो चलो हम आपकी ये बात मान लेते हैं, हम एक बार किताब को खोल के रीड कर लेते हैं फिर देखते हैं कि आपकी बातों में और किताब की बातों में कोई बहुत बड़ा फर्क है या आपने भी वही कहा है या आपने अपनी तरफ से किताब की बातों को आसान बनाने की कोशिश करी है। आप नोटिस करोगे मैंने किताब की बातों को बहुत आसान बनाने की कोशिश करी है, तो जब आप किताब खोलेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों को वेव ऑप्टिक्स का यह तीसरा वीडियो लेक्चर समझ आया। बट क्या इंटरफेरेंस की कहानी यही खत्म होती है? नहीं, अब तो शुरू हुई है। हाँ अब शुरू हुई है, बची भी बहुत बातों को जल्दी बताऊंगा। एक बार फिर से मैं लौट के आऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू कराऊंगा और जो इसका आसान वाला हिस्सा है ना वो जरूर बताऊंगा। तो टेंशन ना लीजिए, लौट के आऊंगा, कॉन्सेप्ट पूरा कराऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट यूनिट चल रही है और आप या आपके अलावा वो सभी बच्चे जो नहीं दे रहे हैं फिजिक्स की तरफ दे रहे हैं पूरा ध्यान, रेडी हो जाओ टू गेट पूरा परेशान। तो प्लीज मेरे बच्चों अगर आप देंगे अपनी पूरी अटेंशन तो नहीं होगी आपको जरा भी टेंशन, क्योंकि मैं दे रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की पूरी पेंशन। आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट टू प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम बिकॉज इट विल बिकम अ क्राइम। सो ये जरूरी है कि आप लोग मेहनत करें और मेरे द्वारा बताई जाने वाली सभी बातों को ध्यान से समझे। एक बार फिर से लौट के आऊंगा चौथा वीडियो लेक्चर वेव ऑप्टिक्स का जल्दी लेकर आऊंगा, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा, इंटरफेरेंस को खत्म कराऊंगा, आगे बढ़ेंगे बहुत जल्द। आज के लिए एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।